हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 8th के हिंदी अर्थात 10th के नन हिंदी ईदगाह के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या रहता है। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने आएगा, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, इसका आंसर हो जाएगा, ईद के दिन अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि इस महान पर्व के अवसर पर हम अपने अनाथ पोते को पैसे कहाँ से दें, क्योंकि उसके घर में एक भी दाने नहीं थे। तो आज का पहला सवाल का आंसर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। तो आज का दूसरा प्रश्न रहेगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। तो इसका आंसर होगा, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद इसलिए करता है क्योंकि जब उसकी दादी तवे से रोटी सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए मिठाई या खिलौने के बदले हामिद चिमटा पसंद करता है। तो आज का तीसरा प्रश्न रहेगा मेरे भाई, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका जवाब होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि दादी अम्मा तुम बिल्कुल ना डरना, मैं मेला देखकर सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो आज का चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कहा है।